हेलो दोस्तों, आल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निबंध पढ़ेंगे जन्माष्टमी पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। लाइन नंबर एक, जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। लाइन नंबर दो, भारत देश के अंदर जन्माष्टमी महोत्सव आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लाइन नंबर तीन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। लाइन नंबर चार, यह त्यौहार केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। लाइन नंबर पाँच, हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन यह त्यौहार मनाते हैं। लाइन नंबर छः, इस दिन हिंदू धर्म की महिलाएं, पुरुष, बच्चे व बूढ़े उपवास रखते हैं। लाइन नंबर सात, दही हांडी इस पर्व का एक मुख्य हिस्सा है जो भारत में प्रचलित है। लाइन नंबर आठ, इस दिन भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों को फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। लाइन नंबर नौ, इस दिन लोग इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। लाइन नंबर 10, भगवान कृष्ण का जन्म लोगों को दुनिया में पहले बुराइयों से बचाने के लिए हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपको यह निबंध पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।